सो हे वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब सेफ होगा। और आज हम जो चैप्टर 5 मिनट रिवीजन सीरीज में करने वाले हैं, वो करने वाले लॉज ऑफ मोशन। सबसे पहले जो हम बात करेंगे, इससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों में शेयर करो, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पर जाएगा, फॉलो कर लो। इस वीडियो को बढ़ाकर शुरू करते हैं। सबसे पहले जो पढ़ने वाले न्यूटन फर्स्ट लॉ। इसके अकॉर्डिंग बेसिकली आपको ऑलरेडी पता है कि बॉडी कंटिन्यूस इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अंटिल एंड अनलेस अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर हम अप्लाई नहीं करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपको तीन इनर्शिया के अंदर चीज़ें आपको देखने को मिलती है, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मोशन के अंदर वही कि आप हमारी बॉडी हमेशा मोशन में ही मूव करती रहेगी अगर उस पर कोई अप्लाई हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं कर रहे, और अगर कोई बॉडी यहाँ पर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे। सेम गोज फॉर डायरेक्शन, की डायरेक्शन में उसकी चेंज नहीं होगी। तो ये बेसिकली हमारे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंदर था। आई होप कि आपको ज़्यादातर लोगों को ये वाली बात बहुत पहले से बताओ, बचपन वाली बातें। सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपको ये फॉर्मूला आपको बचपन से ही, और आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है इस फॉर्मूले की, एफ इज इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी इज इक्वल्स टू एम ए। डी पी इज अ चेंज इन मोमेंटम। इससे हमें क्या पता लगता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। तो यहाँ पे उस बॉडी पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसके बेसिकली यहाँ पे चेंज ऑफ द मोमेंटम है, बट उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसको आप इक्वल्स टू एम ए भी लिख सकते हो। और यहाँ से एक नया फॉर्मूला निकल के आता है इम्पल्स का। इम्पल्स का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, एफ इंटू डेल्टा टी इज इक्वल्स टू डेल्टा पी। मतलब अगर यहाँ पे हम बहुत लार्ज फोर्स लेके चल रहे हैं, मतलब अगर यहाँ बात करें लार्ज फोर्स एक्ट्स फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम किसी भी बॉडी पर, तो वो यहाँ पे एक बहुत ही फाइनाइट चेंज लाएगा मोमेंटम के अंदर, बहुत फाइनाइट चेंज। तो इसको इसकी डायरेक्ट डेफिनेशन हो गई हमारी इंपल्स की, दैट एफ इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी। इससे एक बड़ी बात यहां पे निकलती है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल, बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये बेसिकली कहलाता है। ठीक है, बहुत ही बेसिक सी चीज़, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। पी इनिशियल इज इक्वल्स टू पी फाइनल रहेगा कि टोटल मोमेंटम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम वो हमेशा कंजर्वड रहेगा अगर यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही। तो ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का सीन हुआ। थर्ड लॉ की बात करूँ तो आपको ऑलरेडी पता है कि एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दैट इज एफ ए बी अगर हम बात करूँ इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ पी ए। और बेसिकली इसके कुछ एग्जांपल्स हो गए, जैसे रिकॉइलिंग ऑफ गन हो गया, या फिर अगर कोई मैन यहाँ पे बोट से उतर रहा है तो उस बोट पे जो बैकवर्ड फोर्स लग रहा है, एक तरीके से एक्शन रिएक्शन फोर्स हुआ। ये कुछ थर्ड एक्ट के लॉ के एग्जाम्पल हुए। यहाँ पे अगर हम बात करें कॉमन फोर्सेज इन मैकेनिक्स के अंदर, तो सबसे पहली जो कॉमन फोर्स आती है वो होती है टेंशन। टेंशन जो है, जो टेंशन एक तरीके का रीस्टोरिंग फोर्स है, आर एफ दैट इज रीस्टोरिंग फोर्स। और यहाँ पे बेसिकली ये क्यों होता है, इट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ईएम की वजह से यहाँ पे ये आपका हो रहा होता है। और हमेशा ये अवे फ्रॉम द बॉडी यहाँ पे लग रहा होता है, इट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी, और एक तरीके का कॉन्टैक्ट फोर्स है। वेट की बात करें तो वेट यहाँ पे इज इक्वल्स टू एम जी होता है, दैट इज इक्वल्स टू द ग्रेविटेशनल पोल ऑफ द बॉडी, उसी के यहाँ पे इक्वल होता है, और ये एक तरीके का नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। ठीक है, और हम कुछ फोर्सेज की बात करें, जैसे स्प्रिंग फोर्स होता है एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, ये एक तरीके का कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, और किसकी वजह से होता है, सेम इट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा ये परपेंडिकुलर रहेगी टू द सरफेस, इट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और ये एक तरीके का कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो ये कुछ आपके यहाँ पे फोर्सेस के बारे में बात हो गई। फ्रिक्शन के बारे में बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स। यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पे फोर्स अप्लाइड है, इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे आपको फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। ये आपका ग्रेविटेशनल पुल वेट एम जी, इसके जस्ट यहाँ पे परपेंडिकुलर सर्फेस के नॉर्मल रिएक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, एफ एस इज इक्वल्स टू एफ अप्लाइड, जो कि आपको ऑलरेडी पता है। दूसरा होता है यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन, यहाँ पे आपका म्यू एस होता है, एफ लिमिटिंग इज इक्वल्स टू म्यू एस इनटू नॉर्मल रिएक्शन। सेम गोज फॉर काइनेटिक फ्रिक्शन, यहाँ म्यू एस की जगह चेंज होकर म्यू के हो जाता है। ठीक है, म्यू एस म्यू के की आपको वैल्यू कभी कभी क्वेश्चन में दी होती है, और वहां पे आपको ये फॉर्मूला पुट करके अपनी वैल्यूज निकालनी है। फ्रिक्शन की वाली बात समझ में आ गई, तीनों फॉर्मूले समझ में आ गए। एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी स्लाइडिंग डाउन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन, रफ इंक्लाइंड प्लेन पर अगर कोई बॉडी यहाँ पे स्लाइड कर रही है तो उसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, ए इज इक्वल्स टू जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आपको मन में बसाना है, क्योंकि ये फॉर्मूला काफी सारे इस वाले केस में हमेशा ही आपके वाला एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगेगा। एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज, दो एंगल की बात करनी है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स म्यू एस, दिस इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सेम गोज फॉर एंगल ऑफ रिपोज, हम अल्फा से डिनोट करते हैं, अल्फा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स म्यू एस। ठीक है, ये आपकी बेसिकली आपके दोनों फॉर्मूले हो गए। आई होप कि तुम्हें ये चीज़ समझ में आ गई होगी। दोनों यहाँ पे आपको एक, आपके पास डिफरेंस क्या, एक थीटा है एक अल्फा है, बस और कोई डिफरेंस नहीं है। सर्कुलर मोशन की बात करें, सेंट्रिपिटल फोर्स की बात करें, एम वी स्क्वायर अपन आर, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सेंट्रिपिटल फोर्स, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एम वी स्क्वायर अपन आर होता है। अगर यहाँ पे मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करूँ, यूसीएम की बात करूँ, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन एक सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, दैट इज इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर। या फिर आप लिख सकते हो वी तरीके से, आपके यहाँ पे वी डॉट ओमेगा भी आपके यहाँ पे सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें तो दैट इज इक्वल्स टू दो का सम होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँ तो अंडर रूट ए टी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, बस ये होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, और कोई डिफरेंस नहीं है।
मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड। लेवल रोड में अगर मोशन ऑफ अ कार की बात करें तो ये आपका यहाँ पे कार देखने को मिल रही है, लेवल रोड है, कोई इंक्लाइन कोई डिक्लाइन नहीं है। ये आपका आर आपका डिस्टेंस है सेंटर से, ये आपका एफ आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, वी आपका जिस स्पीड से वो मूव कर रहा है। तो यहाँ पे वी मैक्स कितनी स्पीड से मूव कर सकता है यहाँ पे कि यहाँ पे वो उसका कंट्रोल खोए ना, दैट इज अंडर रूट म्यू एस इंटू आर जी। और अगर मैं बात करूँ म्यू मिनिमम की, कितना म्यू मिनिमम होना चाहिए, दैट इज वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी। अगर मैं आर मिनिमम की बात करूँ कि आर कितनी मिनिमम होनी चाहिए, दैट इज वी स्क्वायर अपॉन म्यू जी। तो ये कुछ आपके बेसिक फॉर्मुलेज हैं जो कि कार ऑन अ मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड के। सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है जो कि लास्ट टॉपिक है, मोशन ऑफ अ कार ऑन अ बैंक्ड रोड। बैंक्ड रोड पे हमेशा क्वेश्चन आता है, दैट इज वी मैक्स। ये आपको बैंक रोड दिख सकती है, यहाँ पे एक एंगल पे है, और यहाँ पे आपको दिख सकता है ये आपका वेट हो गया एम जी, इसका नॉर्मल रिएक्शन एन, इसके दो कॉम्पोनेंट्स एन कॉस थीटा एन साइन थीटा, ये आपका फोर्स फ्रिक्शन वाला कॉम्पोनेंट हो गया। वी मैक्स की बात करूँ कितना वी मैक्स हो सकता है, दैट इज अंडर रूट आर जी म्यू एस प्लस टैन थीटा डिवाइडेड बाई वन माइनस म्यू एस टैन थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। वी ऑप्टिमम कितनी वी ऑप्टिमम होनी चाहिए, दैट इज अंडर रूट आर जी टैन थीटा। डन, अंडर रूट आर जी टैन थीटा। और लास्ट में जो फॉर्मूला है आपका वो है वी मिनिमम का, कितनी मिनिमम वी हो सकती है, दैट इज अंडर रूट आर जी टैन थीटा माइनस म्यू एस डिवाइडेड बाई वन प्लस म्यू एस टैन थीटा। ये कुछ बेसिक फॉर्मूले जो कि मोशन ऑफ अ कार ऑन अ बैंक रोड पे 100% आते हैं, और ये आपका लास्ट टॉपिक भी था इस चैप्टर का। ये बेसिकली सीरीज रिविजन पर्पज पर बनाई गई है। आई होप कि तुम्हें डेफिनेटली ये पसंद आया हो, तुम्हारा सब कुछ रिवाइज हो गया हो इन फॉर्मूलेज के थ्रू। ये फॉर्मूलेज आपको डेफिनेटली मन में बसाने होंगे। गाइस कुछ नहीं करना, तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और अपने दोस्तों में शेयर कर देना है। ऐसी सीरीज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप हमारे इंग्लिश वर्ड ऐप डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। पूरा प्रोसीजर आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय बाय।